हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको इस रिचार्जेबल टेबल फैन को बनाकर दिखाऊंगा। तो आप इस फैन को फोन का चार्जर से ही चार्ज कर सकते हो और गाइस आप भी इस वीडियो को देखकर घर पे ही इस फैन को आसानी से बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पे इस पीवी सीट को ले लिया। तो इसका चौड़ाई है 4.5 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस दोनों सीट को ले लिया और इस दोनों सीट का ही मेजरमेंट सेम है। तो इसका चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 8.5 सेंटीमीटर। तो गाइस आपको भी ऐसे ही सेम मेजरमेंट का दो पीस सीट को ले लेना है। अभी इस दोनों सीट को मैं बड़ा सीट के साइड में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो फटाफट मैं दोनों सीट को ये सेट कर देता हूँ। अभी मैंने इस दोनों सीट को ले लिया और इस दोनों सीट का ही मेजरमेंट सेम है। तो अभी इस सीट को मैं इसके साइड में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। चलिए इस दोनों सीट को ही मैं फटाफट फिक्स कर देता हूँ। और गाइस देख सकते हो इसका बॉडी बॉक्स ऐसा बन गया है। तो अभी मैं यहाँ पे TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल को ले लिया। तो मैं इसके अंदर जो बैटरी लगाऊंगा उसको चार्ज करने के लिए मैं इस मॉड्यूल का यूज करूंगा और इसमें सारा कनेक्शन प्रिंटेड है। तो इसके पीछे के साइड पे मैंने एक छोटा सा पीवी सीट को सेट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस SPST स्विच को ले लिया। तो फैन को ऑन ऑफ करने के लिए मैं इस स्विच का यूज करूंगा। तो स्विच को मैं यहाँ पे सेट करूंगा और इस चार्जिंग मॉड्यूल को मैं यहाँ पे सेट करूंगा। अभी गाइस इस मॉड्यूल का जो कनेक्टर है और स्विच के लिए हमें यहाँ पे ग्रुप कटिंग वगैरह करना होगा। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसमें ग्रुप कटिंग वगैरह कर लिया। यह स्विच के लिए और यह चार्जिंग मॉड्यूल के लिए और यहाँ पे एक LED के लिए मैंने होल कर दिया। तो स्विच को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इस चार्जिंग मॉड्यूल को मैं इसके अंदर में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो मैं इसको फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। तो अभी गाइस इसके ऊपर की साइड में हमें एक होल करना होगा। तो मैं इसके सेंटर में एक होल कर दिया। अभी गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वायर को ले लिया। तो इस वायर को मैं होल के अंदर से ले गया। अभी हमें इसका कनेक्शन वगैरह करना होगा। तो पॉजिटिव वायर को मैंने स्विच का एक पिन पर कनेक्ट कर दिया और इस नेगेटिव वायर को मैं मॉड्यूल के आउटपुट के पिन पर कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वायर को ले लिया। तो वायर का एक साइड को मैं मॉड्यूल का आउटपुट के पॉजिटिव पिन पर कनेक्ट कर दिया और दूसरा साइड को मैं स्विच का पिन पर कनेक्ट कर दिया। तो मॉड्यूल में दो LED है जो चार्जिंग होने के टाइम ग्लो करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे होल किया था। चलिए इसके अंदर से मैं हॉट ग्लू दे देता हूँ ताकि चार्जिंग होने के टाइम लाइट बाहर की तरफ ग्लो करे। उसके बाद गाइस इसमें पावर देने के लिए मैंने यहाँ पे इस 18650 लिथियम बैटरी को ले लिया। तो इसके ऊपर में 4000 mAh का लिखा हुआ है लेकिन ये 4000 mAh का नहीं होता है। अभी इस बैटरी का वायर को हमें मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। अभी बैटरी को फिक्स करने के लिए मैं इसमें हॉट ग्लू दे दिया और बैटरी को मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी गाइस इसका नीचे का साइड को हमें कवर करना होगा। कवर करने के लिए मैं यहाँ पे इस सीट को ले लिया। तो इस सीट को मैं परमानेंट फिक्स नहीं करूंगा ताकि हम बाद में इसे खोलकर रिपेयर कर सके। अभी मैं यहाँ पे पीवी सीट का छोटा छोटा पीस को ले लिया। तो इस चारों सीट को मैं इसके कॉर्नर में कुछ इस तरीके सेट करूंगा। तो गाइस देख सकते हो मैं सभी सीट को सेट कर दिया। अभी इस सीट को मैं इसके अंदर में रख दिया। उसके बाद गाइस इसका चारों कॉर्नर पर हमें होल करना होगा। तो मैंने इसमें होल कर दिया। अभी इसका चारों कॉर्नर पर 4 स्क्रू लगाकर बढ़िया से कस देता हूँ। उसके बाद इस फैन के लिए हमें एक स्टैंड बनाना होगा। तो स्टैंड बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह का दो पीस सीट को ले लिया और गाइस इस दोनों सीट का मेजरमेंट सेम है। तो इसका चौड़ा है 1 सेंटीमीटर और इसका लंबा है 17 सेंटीमीटर। अभी गाइस मैं इस तरह का दो पीस सीट को ले लिया। तो इसका चौड़ा है 0.8 सेंटीमीटर और इसका लंबा है 16 सेंटीमीटर और इस सीट का चौड़ा है 0.8 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 15 सेंटीमीटर। अभी इस दोनों सीट को मैं कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो मैं इसको फेविक्विक से चिपका देता हूँ। उसके बाद मैं इस सीट को ले लिया और इसको मैं इसके साइड में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। अभी मैं यहाँ पे इस सीट को ले लिया और इसे मैं कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया। तो गाइस देख सकते हो स्टैंड बन गया है। तो अभी इस वायर को मैं स्टैंड के इस होल के अंदर से ले जाऊंगा। उसके बाद इस स्टैंड को मैं इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो मैं इसको फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। अभी गाइस मैं यहाँ पे इस छोटा सा DC मोटर को ले लिया और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 10 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो ये छोटा है लेकिन काफी हाई स्पीड में ही घूमता है। तो आप इससे भी बड़ा मोटर का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी गाइस मोटर को मैं स्टैंड के ऊपर में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो अभी मोटर को सेट करने के लिए हमें इसका एक स्टैंड बनाना होगा। मैंने यहाँ पे इस तरह का दो पीस सीट को ले लिया। तो इस बड़ा सीट के ऊपर में मोटर रहेगा और इस छोटा सा सीट को मैं इसके नीचे के साइड में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो मैं इसको फेविक्विक से फटाफट फिक्स कर देता हूँ। और गाइस देख सकते हो स्टैंड बन गया है। अभी मोटर को मैं इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो मोटर को फिक्स करने के लिए मैं इसके ऊपर हॉट ग्लू दे देता हूँ।
अभी मोटर को इसके ऊपर फिक्स कर दिया। उसके बाद इसे स्टैंड के साथ हमें कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। तो दोनों को सेट करने के लिए इसके बीच में हमें एक होल करना होगा, तो मैंने इस दोनों में ही होल कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नट बोल्ट को ले लिया और इसको सेट करके नट बोल्ट से कस दिया। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे इस प्रोपेलर को ले लिया। और गाइस, आप इससे भी छोटा प्रोपेलर यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अभी प्रोपेलर को मैं मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो, फाइनली हमारा रिचार्जेबल टेबल फैन बनकर रेडी हो गया है और इसे देखने में मस्त लग रहा है। चलिए पहले इसको चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा फोन का चार्जर को ले लिया, तो अभी चार्जर को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया और चार्जर को भी बोर्ड पर कनेक्ट कर दिया। तो इस स्विच को मैं ऑन कर दिया। गाइस देख सकते हो, इसमें रेड एलईडी जल रहा है, तो अभी ये चार्जिंग हो रहा है और चार्ज फुल हो जाने के बाद इसमें ब्लू एलईडी जलेगा। तो अभी मैं इसको ऑन कर दिया और गाइस देख सकते हो, ये काफी हाई स्पीड में घूम रहा है। तो आप इसका हवा का डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। ये छोटा है लेकिन काफी तेजी से हवा को फेंक रहा है। मैंने यहाँ पे एक पेपर को ले लिया और इसको फैन का आगे की साइड में रख दिया, तो फैन का स्पीड से एकदम ऊपर उड़ रहा है। तो गाइस, आप इस उड़ता हुआ पेपर को देखकर तो इसका स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। आपको ये टेबल फैन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो पर।